हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। हाँ भाई, कैसे हो? सब मस्त हो? अच्छे हो? एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश बार बार याद दिला रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वीडियो को पोज करके एक एक लाइन पे आपको जाना, एक एक शब्द को आपको समझना है एनसीईआरटी को बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में 100% एनसीईआरटी होगी और जो आप एग्जाम देंगे उसमें 100% एनसीईआरटी, थोड़ा सा सिलेबस और वो सारी चीज़ आएगी। यस, तो सारे मस्त हो? ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है? इस टेस्ट में आपके किंगडम मोनेरा जो हो चुका है ना, बैक्टीरिया रोग मोनेरा प्रोटिस्टा वो भी हो चुका और अब किंगडम फंजाई। तो स्वागत है आपका बेटा लेक्चर 21 में। स्टार्ट करते हैं। देखो, वीटेकर के दो किंगडम अपन पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा जिसमें अपने सभी प्रोकैरियोटिक को सम्मिलित किया और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें अपने सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट को सम्मिलित किया, चाहे पोषण का तरीका कोई भी हो, चाहे वो पादप सम हो, चाहे जंतु सम हो, और चाहे वो प्रोटिस्ट डिकम्पोजर हो, अपने एक कोशिकीय यूकेरियोट को किस में सम्मिलित किया? किंगडम प्रोटिस्टा में, अकॉर्डिंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण अनुसार। अब आपको पता है कि पांच जगत वर्गीकरण अनुसार अब अपन तीसरा जगत, वीटेकर का तीसरा जगत अपन स्टडी करते हैं और वो किंगडम फंजाई है ना बेटा। तो वीटेकर का थर्ड किंगडम यानी किंगडम फंजाई, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कवक जगत। देखो बेटा, पांच जगत वर्गीकरण से पहले मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पांच जगत वर्गीकरण से पहले ये फंजाई हर वैज्ञानिक के वर्गीकरण में पादपों के साथ सम्मिलित हुए। और अपन कहते भी हैं, जब अपन जैविकता की बात करते हैं कि पादपों में सर्वाधिक जैविकता किसकी है, तो ऑप्शन में अगर फंजाई हो तो अपन आंसर क्या करते हैं, फंजाई करते हैं। तो पांच जगत वर्गीकरण यानी वीटेकर के वर्गीकरण से पहले ये फंजाई हर प्रकार के वर्गीकरण में पादपों के साथ सम्मिलित थे, प्लांटी में सम्मिलित थे, दो जगत में भी, चाहे तीन जगत चार जगत तक भी ये प्लांटे में सम्मिलित थे। लेकिन आपको पता है कि वीटेकर ने जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका, और उस पोषण के तरीके बेसिस पे ये फंजाई रिमूव हो गए थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, प्लांटी से रिमूव हो गए थे। तो अपन कहते हैं फंजाई वर रिमूव्ड, फंजाई वर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांटी इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि फंजाई को प्लांटी से रिमूव कर लिया पांच जगत वर्गीकरण में, किस आधार पर? पोषण के तरीके के आधार पर, क्योंकि विषम पोषण होते हैं सारे, लेकिन ये अवशोषणी पोषण करते हैं, वो अपन आपको समझाएंगे। तो अपन एक बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही यूनिक किंगडम की स्टडी करते हैं और ये बेटा है किंगडम फंजाई कवक जगत। यस बेटा, तो देखे बेटा किंगडम फंजाई जो कवक जगत है, किंगडम फंजाई, तो इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। अब आप ध्यान दें कि इस जगत में आप किसको इंक्लूड करोगे, तो इस जगत में आप किसको सम्मिलित करोगे, तो इस जगत में जो सम्मिलित होने वाले होते हैं वो है बेटा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, यानी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित होते हैं। यस बेटा, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी। लेकिन बहुकोशिकीय यूकैरियोट तो प्लांट भी हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोट तो एनिमल भी हैं, फिर इसके बारे में अपन क्या कहें? तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कि अपन कहें कि ये कैसे यूकैरियोटिक हैं, मतलब मैं आपको कहूं बेटा कि कैसे यूकैरियोटिक हैं, तो आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए क्लोरोफिलस यानी क्लोरोफिल रहित, ए क्लोरोफिलस। फिर मैं नेक्स्ट बात आपको कहूं बेटा कि ए क्लोरोफिलस के बाद अपन कहें कि हेटरोट्रोफिक विषम पोषी। तो एक्लोरोफिलस हेटरोट्रोफिक, मल्टीसेलर तो है, या अपन कहें कि बेटा फिलामेंटस स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी बेटा सामान्यतः ये जगत
क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित विषमपोषी तंतु में बीजाणु उत्पन्न करने वाले, बीजाणु उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से बना होता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि आपने कहा एक्लोरोफिलस हेटरोट्रोफिक फिलामेंटस स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल रहित विषमपोषी, 100% विषमपोषी, कभी भी इनकी सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, और तंतु में बीजाणु उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से बना होता है, और ये थ्रेड लाइक धागे नुमा होते हैं, थ्रेड लाइक या थैलेसिन का जो होता है वो थ्रेड लाइक धागे नुमा होता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये अपन बात उठा कि ऐसे जीवधारियों को अपन एक अद्भुत जगत में सम्मिलित करते हैं, वो क्या है बेटा, फंजाई। अब कुछ बातें अपन करते हैं कि जैसे ये ट्रम फंजाई वाज कॉइंड बाई ट्रम फंजाई किसने दी थी सबसे पहले, तो गैस्पोर्ड बोहिन है ना बेटा। तो ट्रम फंजाई सबसे पहले किसने दी थी बेटा, गैस्पोर्ड बोहिन। और स्टडी ऑफ फंजाई, इन फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, यानी फंजाई का अध्ययन होता बेटा माइकोलॉजी, एक विज्ञान बायोलॉजी का एक ब्रांच है ना, जीव विज्ञान की एक शाखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का, कवकों का अध्ययन करते हैं। तो कवकों का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी में। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी बेटा कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हैं डी बेरी, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी। बात को समझे, जो एमओपी एंगर वो इंडियन माइकोलॉजी के हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, डी बेरी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई बेटा। यानी देखो ये जो जगत है फंजाई जगत, ये बहुकोशिकी क्लोरोफिल रहित विषमपोषी तंतु में या थैलस रूपी धागेनुमा संरचना रखने वाले जीवों का समूह है, इसमें ये जीव सम्मिलित होते हैं। और बेटा ये पांच जगत में ही फंजाई प्लांटे से अलग हुए, तो सजीव जगत में एक अद्भुत स्थान है फंजाई का। यस बेटा, और आपको कहेंगे ट्रम फंजाई किसने दी थी, वाज कॉइंड बाई गैस्पोर्ड बोहिन। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। और बेटा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, डी बेरी। कौन है बेटा जी, डी बेरी। बात को समझे, और सीधी सी बात अपन बात बेटा कि ये जो मतलब फंजाई है, तो फंजाई की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें बेटा कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कि प्रकृति में ये सर्वव्यापी होते हैं, प्रकृति में ये सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मीन हो गया प्रकृति में ये सर्वव्यापी होते हैं, और यहाँ बेटा अपन बात करें कि सर्वव्यापी का मीन हो गया, कॉस्मोपॉलिटन का मीन हो गया कि ये एयर वाटर सोयल, एयर है वाटर है सोयल, यानी हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर हर जगह पे पाए जाते हैं। बाकी अपन आगे और क्लियर करेंगे इनके हैबिटेट में। यस बेटा, नेक्स्ट अपन अगर अपन बात करें बेटा कि ये अपने आकार की और वास स्थानों में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं, आकार की और वास स्थानों में बहुत ही ज़्यादा अपन बात करें कि बेटा विविधता दर्शाते हैं, मैंने ग्रेट डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये अपन ऐसे कहें बेटा कि आकार की तथा वास स्थानों में, आकार की तथा वास स्थानों में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, आकार के और वास स्थानों में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। यस और नो बेटा, इट मीन अपन कहें कि हैव मच डाइवर्सिटी
यस बेटा, हैव मच डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, यानी अपने आकार की, जो माइसीलियम के आकार की होती है, तरह तरह के माइसीलियम इनमें होते हैं, अपन आगे बताएंगे, तो आकार की तथा वास स्थानों में ये ग्रेट डाइवर्सिटी, सबसे अधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, आकार के वास स्थानों में हैव मच डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, कौन बेटा, फंजाई, यस और नो। लेकिन सीधी सी बात अपन कहें कि वैसे एवरीवेयर होते हैं, लेकिन अपन सीधी सी बात कहें कि ये सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करने की ये प्रिफर करेंगे वो किसको करेंगे, वार्म और ह्यूमिड एरियाज में, यस बेटा। तो अपन कहें कि भाई दे प्रिफर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, यानी बेटा ये ज़्यादातर कहाँ उगना पसंद करते हैं, तो ये ज़्यादातर गर्म तथा आर्द्र स्थानों, गर्म तथा आर्द्र स्थानों पर उगना पसंद करते हैं। क्लियर बेटा? तो सीधी सी बात कहें कि हाई टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, स्पेशली रेनी सीजन होती है, बरसात ऋतु होती है ना, तो इनकी सबसे बेस्ट ग्रोइंग सीजन होती है, इनकी बेस्ट ग्रोइंग सीजन होती है बेटा क्या, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु फंजाई के लिए सबसे बेस्ट होती है, मतलब रेनी सीजन सबसे इनकी बेस्ट ग्रोइंग सीजन होती है, क्योंकि रेनी सीजन के दौरान हाई टेम्परेचर तो होता है और हाई टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी होती है, तो जैसे हाई टेम्परेचर डेजर्ट में होता है, लेकिन वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। और आप समझ रहे हैं बेटा कि बाकी आप रेन तो अपन बात रहे कि अदर जो टेम्परेट एरिया होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी हो सकती है पोल्स की ओर, लेकिन वहाँ ह्यूमिडिटी तो हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर नहीं होता है। तो ये उन स्थानों पर, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, यानी उन स्थानों पर सबसे ज़्यादा उगना पसंद करते हैं, ज़्यादातर गर्म और आर्द्र स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, यानी वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में। इसलिए बेस्ट ग्रोइंग सीजन इनके लिए क्या है, वर्षा ऋतु। रेनी सीजन इनके वर्दी करने के लिए सबसे बेस्ट है। और आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के अंदर अचार पर अगर थोड़ा सा तेल नहीं रहता तो जाल सा आ जाता है, रोटी ब्लैक ब्लैक हो जाती है ना, खाने वाली चीज़ें खराब हो जाती है, कपड़ों को अगर अपन पसीने वाले कपड़े को अगर इकट्ठा रख दे तो फंगस पैदा हो जाती है। तो आप समझ रहे हो कि रेनी सीजन इनके लिए सबसे बेस्ट सीजन है, यस बेटा। अब अपन उनके कुछ जनरल करेक्टर की बात करते हैं नेक्स्ट में, जो हैबिटेट आवास क्या है, फिर अपन बात करते हैं बेटा हैबिटेट के बाद में कि भाई इनका नेचर क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेल मिलकर फंगल हाइपी बनाती है और फिर फंगल हाइपी से माइसीलियम फॉर्म होता है, इनकी बॉडी एंड बॉडी ऑफ फंजाई का अपन स्टडी करते हैं। तो अपन इनकी स्ट्रक्चर की अपन नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं, यस और नो। सीधी सी बात है बेटा कि बार बार आपको बता रहे हैं कि किंगडम फंजाई सजीव जगत में एक अद्भुत स्थान रखता है। किंगडम फंजाई में मैं आपको फिर कह दूं कि जो मल्टी सेलर हैं, बहुकोशिकीय थ्रेड लाइक धागे नुमा अप्रकाश संश्लेषी सजीव आते हैं। कभी भी आप समझें कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होता, ये पूर्णतः विषमपोषी होते हैं, लेकिन अवशोषणी पोषण करते हैं, पहले पचाते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादातर अवशोषणी पोषण करते हैं, इसलिए अपन बात एक अलग जगत बनाया गया किंगडम फंजाई, बात को समझ रहे हो। फिर अपन ने बात की बेटा नॉर्मल बातें कि भाई जो टर्म फंजाई बोहेन ने दी, और अपन बात बेटा कि स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी है, और फिर अपन ने कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, डी बेरी है। अपन ने कहा कि फंजाई हर जगह है, एवरीवेयर, कॉस्मोपोलिटन नेचर जो होती है वो है, एयर वाटर सोयल, लेकिन आकार के वास स्थानों में अत्यधिक विविधता, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, हैव मच डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, और ये उन स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, गर्म आर्द्र स्थानों पर ज़्यादा उगना पसंद करते हैं, इसलिए इनके मतलब वर्दी करने की जो सबसे बेस्ट सीजन है बेटा वो रेनी सीजन है, रेनी सीजन। तो गॉट इट, सब समझ में आया, नेक्स्ट अपन लेते हैं। हाँ तो बेटा देखो, इस किंगडम के अपन जनरल करेक्टर सामान्य लक्षण स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा कि जनरल करेक्टर सामान्य लक्षण में अपन बात करते हैं हैबिटेट आवास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा कि कवक सामान्यतः प्रकृति में सर्वव्यापी हैं, एवरीवेयर, वो बार पहले बात बता दी मैंने, हर जगह हैं, एवरीवेयर, सर्वव्यापी हैं। तो सर्वव्यापी हैं तो मीन मैंने आपसे कह दिया कि दे आर कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, यस, सर्वव्यापी हैं। इट मीन आप जानते हो ये वायु, एयर, वाटर, सोयल,
इन एयर वाटर और सोयल। वायु जल मृदा में तो ही है, इसके अलावा आप समझ सकते हो कि पादप और जंतु के ऊपर भी, मतलब ऑन प्लांट और एनिमल, पादप और जंतुओं के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, पादप और जंतुओं के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, पादप और जंतुओं के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं। यस, अधिकांश स्थलीय आवासों में होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल होते हैं अधिकांश स्थलीय आवासों में। कुछ होते हैं, कुछ स्पीसीज होती हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट यानी जलीय आवासों में भी पाई जाती है, जैसे अपन यहाँ आगे जाकर बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज, जो एल्गल फंजाई हैं फाइकोमाइसिटीज, तो उसके कुछ सदस्य एलोमाइसिज, कुछ सदस्य क्या होंगे बेटा, जलीय होंगे। खैर वो तो अपन बात कर लेंगे। यस बेटा, और आपको मैंने बता दिया कि दे प्रीफर ग्रो इन वार्म और ह्यूमिड प्लेसेज, ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगना पसंद करते हैं, गर्म तथा आर्द्र स्थानों पर, है ना, ज़्यादा उगना पसंद करते हैं। सारा बात बता दी कि रेनी सीजन इनकी बेस्ट ग्रोइंग सीजन है। इसके अलावा देखो बेटा, ये कहाँ कहाँ और ग्रो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उग सकते हैं, दे मे ग्रो, मतलब कहाँ कहाँ उग सकते हैं। इसके अलावा ये ट्री बार्क, वृक्ष की छाल पे, तो आप क्या बोलोगे, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, या जो जंतुओं का क्रिएटिन, क्रिएटिन पदार्थ होते हैं, जैसे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, है ना, तो ये जो क्रिएटिन पदार्थ होते हैं आपके, स्पेशली सींग है या बाल हैं, तो क्रिएटिनस मटेरियल, इनको अपन बोलते हैं क्रिएटिनोफिलस, क्रिएटिनोफिलस, क्रिएटिनोफिलस अपन बोलते हैं। इसी प्रकार गाय के गोबर पे, गोबर पे भी, जैसे कोप्रोफिलस, ये बहुत अच्छी टर्म है, कोप्रोफिलस फंजाई, सबसे ज़्यादा इसमें आता है एस्को माइसिटीज, और दूसरे पे फाइको, सही। तो बेटा आप समझ रहे हो कि गोबर पे कोप्रोफिलस, काउडंग, गोबर पर भी उग सकते हैं। इसके अलावा तुम जानते हो कि सड़ी गली वनस्पति है, अचार मुरब्बे हैं, संतरा, सड़े हुए फल हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, तो इसके अलावा ब्रेड रोटी पे भी उग सकते हैं, है ना, सड़ी गली वनस्पति, अचार मुरब्बे, सड़े फल, सड़े फल मतलब, है ना, जैसे संतरा आदि पर भी उग सकते हैं, जैसे वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना अंदर से, तो वहाँ पर भी उग सकते हैं, बात को समझे। तो अपन ने कहा बेटा कि ईजिली अगर मान लो कि ये बार्क पर है तो कॉर्टिकोलस, अगर ये डंग पे तो कोप्रोफिलस, और लकड़ी के ऊपर एपिजाइलिक, या जली हुई लकड़ी पे तो जाइलोफिलस है, क्रिटेनोफिलस है, ये सारी बातें मैंने आपको कर ली। बाकी सड़ी गली वनस्पति, अचार मुरब्बों, सड़े गले फलों आदि पर भी ये पाए जा सकते हैं। यस बेटा, और कुछ हैं जो अविकल्पी परजीवी, यानी अपने होस्ट के बिना सर्वाइव ही नहीं करेंगे, होस्ट में ही रहेंगे, होस्ट में रहेंगे, अविकल्पी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि एल्बो को कैंडिडा जानते हो ना, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर में अविकल्पी परजीवी है, और पक्सीनिया, पक्सीनिया की एक जाती है पक्सीनिया ग्रेमिनस, जैसे गेहूं में ब्लैक रस्ट करेगी, तो ये 100% बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अतः अपने समझ में आ गया कि कवक अत्यधिक विविध आवासों में उगते हैं, यानी आवास स्थानों में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं, सबसे ज्यादा वास स्थानों में बेटा, वो मतलब पोषण की विविधता सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, उपापचय विविधता, मोनेरा, लेकिन वास स्थानों में सबसे ज्यादा विविधता कौन दर्शाते हैं, कवक दर्शाते हैं। इसी प्रकार देखो अपन आगे आप करेंगे कि वास स्थानों, आवास स्थानों के साथ साथ ये आकारकी में भी अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं, आकारकी में अत्यधिक विविधता, तो आकारकी में अत्यधिक विविधता यानी इनके भी अपन बात करेंगे, जो कवक शरीर है वो आकारकी में भी अत्यधिक विविधता दर्शाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स की मैंने बात कर ली। अब आकारकी में कैसे दर्शाया, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा यूकेरियोटिक संगठन है, तो फंजाई की सेल क्या है, सेल की सेल वॉल क्या है, स्टोर फूड क्या है, तो फंजाई सेल, फिर वो कोशिकाएं मिलकर बनाएगी कवक तंतु, फंगल हाइपी, वो कवक तंतु की संरचना अलग अलग कवकों में अलग अलग होती है, है ना, जैसे पट रहित बहुकेंद्रीय, ऐसे अलग अलग पट्टिकते केंद्र के, ऐसे अलग अलग कवकों में उस कवक तंतु की संरचना अलग अलग होगी। फिर वो बहुत सारे फंगल आईपी, वो धागे, कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाएंगे, माइसीलियम। तो माइसीलियम कैसे बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन पढ़ेंगे कि इनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल के क्या क्या लेयर हैं, क्या क्या आवरण है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि सेल ने कैसे कवक तंतु बना दिया, फंगल हाइपी क्या है, फिर फंगल आईपी से कवक जाल क्या है, और फिर अलग अलग वर्ग के कवकों में उस फंगल आईपी की विविधता क्या है, और इसी के साथ अपन सिद्ध करेंगे कि आकारकी और वास स्थानों में ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विविधता दर्शाते हैं, कौन, किंगडम फंजाई के मेंबर। यस बेटा, तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सेल स्ट्रक्चर की, और जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अपन बात करते हैं। यस बेटा, क्लियर? हाँ, तो बेटा जी देखो, अपन देख रहे थे अब फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका संरचना और इनका शारीरिक संगठन। यस बेटा, तो देखो वर्ड टू वर्ड अपन कैसे इसको क्लियर करते हैं अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेल स्ट्रक्चर, तो शारीरिक संगठन व कोशिका संरचना। देखो बेटा, आप भी समझ सकते हो कि प्रोटिस्टा के बाद जो विटेकर के तीन किंगडम थे, फंजाई, प्लांट और एनिमल, तीनों मल्टीसेलुलर थे, यूकेरियोटिक था, अब कोई स्वपोषी था, विषमपोषी, अंतर्ग्रहण वाला था या अवशोषण वाला था, वैसे आपके थे तीन
सेपरेट बट तीनों मल्टीसेलर यूकेरियोट थे। तो आप समझ रहे हो कि फंजाई भी क्या है, मल्टीसेलर यूकेरियोट है, बहुकोशिकीय यूकेरियोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहें कि भाई कवकों में यूकेरियोटिक संगठन, कवकों में कौन सा संगठन होता है, यूकेरियोटिक। भाई कितना भी बहुकोशिकीय हो, बेसिक इकाई तो सेल है, तो जो कोशिका संगठन है यूकेरियोटिक संगठन है इनके अंदर। यस बेटा, आप देखो कि हर सेल हैप्लोइड होती है, इनका शरीर एगुणित है तथा थैलोइड मतलब तंतु में फिलामेंटस, थैलोइड है तंतु में फिलामेंटस। लेकिन बेटा वो जो तंतु में शरीर है फिलामेंटस है वो विभेदित नहीं होता है। जैसे अगर आप आत्मा की बात करें तो वो जड़तना पत्ती की तरह विभेदित नहीं होता है, यानी वो डिफ्रेंशिएट नहीं है। क्लियर? अभी अपन बात करेंगे कि सेल्स तो हैं लेकिन वो आपस में मिलकर केवल अपन बात करें कि ढीला उत्तक, वास्तविक उत्तक नहीं बना पाएगी। इसलिए अपन बात करेंगे कि इनका शरीर है ना वो विभेदित नहीं होता है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा इनकी सेल स्ट्रक्चर की। पहले अपन बेसिक ऐसे थे कोशिका संरचना की, कोशिका क्या है, उसके आवरण क्या है, और जो भी सेल स्ट्रक्चर की। फिर अपन सेल्स मिलकर बनती इनमें कवक तंतु, फंगल आईपी। तो फंगल आईपी क्या होती है और फिर इनका बॉडी कैसे बनता है। यस, तो इस बात पे अपन आएंगे। तो बहुत क्रम से आप समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल स्ट्रक्चर बेटा कोशिका संरचना। तो आप देखें कोशिका संरचना, ये तो आपने ऊपर समझ ही लिया और अच्छे से पढ़ ही लिया। भाई कवकों में यूकेरियोटिक संगठन है, तो यूकेरियोटिक संगठन मतलब सुविकसित केंद्रक है जो केंद्र की झिल्ली से घिरा है क्रोमेटिन पदार्थ, और केंद्र की झिल्ली जो दो झिल्लियाँ होती है, बाह्य केंद्र की झिल्ली, आंतरिक केंद्र की झिल्ली, जहाँ फ्यूज होती है वहाँ केंद्र के छिद्र बनते हैं। यस, और आप समझ रहे हैं कि अंदर डीएनए स्टोन से आपका क्रोमेटिन बनता है। तो सुविकसित केंद्रक होता है, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग होते हैं, बात को समझे। अब देखो बेटा इनके अपन सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोशिका संरचना की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेल एनवलॉप, कोशी के आवरणों की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन आ गए सेल वॉल। सबसे इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है सभी कवकों में बिना किसी अपवाद के, है ना, पूरे फंजाई में, ऐसा सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। फंजाई में जितने भी इंक्लूड होंगे, है ना, उन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। यस, तो सेल वॉल है लेकिन विषमपो, अपन बताएंगे कि विषमपोषी है। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति, तो अपन ने कहा बिना किसी अपवाद के सभी कवकों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, बिना किसी अपवाद के सभी कवकों में सेल वॉल या सभी कवक कोशिकाओं में फंगल आईपी में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यस, और मुख्यतः इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन या अपन टर्म दे फंगल सेलुलोज। एक बार ऑप्शन में काइटिन नहीं था, फंगल सेलुलोज। तो बेटा कभी भी फंगल सेलुलोज आ जाए, कवकीय सेलुलोज शब्द आ जाए, फंगल सेलुलोज में आप क्लियर कर दूं कि कवकीय सेलुलोज आ जाए, तो कवकीय सेलुलोज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो सेलुलोज नहीं है, काइटिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यस बेटा, तो देखो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है जो एक पॉलीसेक्राइड है, फंगल सेलुलोज की बनी होती है, बात को समझे। और अपन कहें बेटा कि फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे कि भाई मोस्ट ऑफ अगर कवकों में सामंत कोशिका भित्ति पूछी जाए तो काइटिन की, हाँ एक्सेप्शनली कुछ कवकों में सेल वॉल कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वैसे बेटा देखो फंजाई जगत के लिए पूछा जाए तो जनरली पांच जगत की उस टेबल में आपको नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल दे रखी है, है ना। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है बेटा, नॉन सेलुलोजिक। कवकों में जो सेल वॉल होती है वो जनरली सेलुलोज नॉन सेलुलोजिक होती है, और मोस्ट ऑफ में नॉन सेलुलोजिक होती है। वो तो अपवाद है कि कुछ कवकों में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और वो एक फाइकोमाइसिटीज वर्ग में एक उपवर्ग आएगा, उमाइसिटीज एक उपवर्ग आएगा। जैसे कि उसके अंदर उदाहरण होंगे एल्बुगो होगा, फाइटोफतोरा इन्फेंसिनेंस जो आलू में फचेती इंगमारी करता है। यस, तो एल्बुगो होगा, फाइटोफतोरा ये हैं। यस बेटा, तो आप समझे पाइथियम, ये जो उमाइसिटीज के मेंबर हैं वहाँ पर सेल वॉल में सेलुलोज की बनी होगी। बाकी जनरली मोस्ट ऑफ फंजाई की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, काइटिन की होती है, फंगल सेलुलोज की होती है। लेकिन एनसेट इसलिए लिख रखा है काइटिन और पॉलीसेक्राइड, काइटिन अपने आप में पॉलीसेक्राइड है बट अदर पॉलीसेक्राइड इन सेलुलोज भी हो सकता है, कुछ एक आधे एक्सेप्शन उमाइसिटीज के मेंबर में, बाकी सभी कवकों में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। यस बेटा,
तो देखो अब अपन आ जाते हैं मैन सेल स्ट्रक्चर पे। तो देखो यूकेरियोटिक संगठन है, तो ये एक फंगल सेल, एक फंगल सेल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, फंगल सेल। तो बेटा देखो कि ये फंगल सेल है, क्लियर। अब फंगल सेल है तो कोई भी सेल होती है उसमें सबसे पहले आपके आते हैं सेल एनवलोप, कोशिका आवरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले आ गया सेल वॉल, कोशिका भित्ति, फर्स्ट सेल एनवलोप कोशिका आवरण, सेल वॉल कोशिका भित्ति। तो बेटा जी देखो सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की, यानी जिसको आप बोल रहे हो फंगल सेलोज, अपन बता चुके हैं। और इस काइटिन का जो मुख्य घटक है वो है एन ए जी एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, एन ए जी एन एसिटाइल ग्लूकासामिन। तो आप समझ रहे हैं कि वो एक पॉलीसेक्राइड है जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड से कंटेन है, यानी नाइट्रोजिनस यौगिक युक्त आपका पॉलीसेक्राइड है एन एसिटाइल ग्लूकासामिन। बात को समझे, ये शुगर है लेकिन एन एसिटाइल ग्लूकासामिन जो नाइट्रोजिनस यौगिक युक्त है। और ये क्वेश्चन भी आया था भाई नाइट्रोजन युक्त यौगिक का नाम बताइए जो कवकों की कोशिका भित्ति बनी, तो काइटिन। तो सबसे पहले आपका होगा सेल वॉल। अब पूरे कवकों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन नहीं, हाँ सेल वॉल जनरली नॉन सेलोजिक होती है, यस फंगल सेल नॉन सेलोजिक होती है, लेकिन अपवाद ओमाइसिटीज के सदस्यों में। तो ओमाइसिटीज के सदस्यों में अपन बताएंगे वहाँ पर एल्बुगो, पाइथियम, फाइटोपथोरा वहाँ सेलोजिक होती है। बात को समझ रहे हैं आप। अब आप देखो बेटा जो सेकेंड कोशिका आवरण है तो वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली आप जानते हो लिपोप्रोटीन लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है सभी कोशिकाओं में, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सही, फ्लेक्सिबल जो भी है डायनेमिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आप जानते हो कि प्रोटोप्लाज्म आता है, और प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ होती है बेटा, प्रोटोप्लाज्म में आपने सेल पढ़ी होगी, प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है धोरी झिल्ली न्यूक्लियस केंद्रक। तो यूकेरियोटिक कोशिका सुविकसित केंद्रक है, साइटोप्लाज्म तुम जानते हो तरल साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा अपन यहाँ पर फिर अंदर से आते हैं कि ये न्यूक्लियस है, सुविकसित केंद्रक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर जटिल केंद्र के छिद्र हैं, और अंदर डीएनए स्टोन से आपका बन गया क्रोमेटिन, जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन। तो सुविकसित केंद्र का न्यूक्लियस, लेकिन कवक कोशिकाओं का न्यूक्लियस एन होता है बेटा, हैप्लोइड होता है, सबसे बड़ी बात कि हैप्लोइड होता है, कवकों की जो कोशिकाओं की गुणिता वो अगुणित हैं कवक कोशिकाएं, तो आगे रिप्रोडक्शन में बहुत काम की बात आएगी, ये हैप्लोइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना। बाकी सुविकसित केंद्र हो गया, अंतःपरद्वी जालिका होगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, SCS राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्वी जालिका, अंतःपरद्वी जालिका, और ये गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या विशेषता होती है कि गोल्जी बॉडी जो होती है इस फंजाई सेल की वो एक ही सिस्टर्न की बनी होती है, यूनिसिस्टर्नल होती है, यूनिसिस्टर्नल। तो इसको आप डिक्टियोसोम भी कहते हो, क्या कहते हो बेटा, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम भी कहते हो, यूनिसिस्टर्नल होती है फिर, या सिस्टर्नी बिखरी फॉर्म में होती है, ये सिस्टर्नी बिखरी हुई होती है फिर यूनिसिस्टर्नल होती है, तो इसको आप कहते हो डिक्टियोसोम। बात को समझे। और बाकी आप जानते हो ये धोरी झिल्ली कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, SCS राइबोसोम हो गया, बात को समझे। और इनका ये संचित भोजन हो गया ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन और क्या हो गया बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट, यस क्लियर। हाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी कवक कोशिका में, किसी भी कवक कोशिका में कभी या कवकों में कभी भी प्लास्टिड लवक कभी नहीं होते हैं, है ना। और तभी आप जानते हैं नॉन क्लोरोफिलस और सारे के सारे कवक, अभी आगे अपन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो विषमपोषी होते हैं, यस। तो बेटा ये एक फंगल सेल होगी जिसमें देखो यूकेरियोटिक संगठन है लेकिन प्लास्टिड नहीं है, सेल वॉल है बट प्लास्टिड नहीं है। अब सेल वॉल का प्रेजेंस इनका प्लांट से है लेकिन सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन प्लांट से अलग है। और देखो संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट, तो ये अपन बात रही कि इनका किससे समानता दर्शा, एनिमल से भी दर्शाता है, लेकिन ये अवशोषणी पोषण करते हैं, तो उस पोषण के तरीके के आधार पर, ये डिकम्पोजर है मेनली और अवशोषणी पोषण करते हैं, पोषण के तरीके के आधार पर इनको एक अद्भुत जगत में स्थान दिया गया, जगत फंजाई में। अब आ जाओ बेटा, तो ये मैंने आपको एक फंगल सेल यानी एक कवक कोशिका के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये बेटा एक फंगल सेल है, यस आराम से। कवकों की सेल वॉल किसकी बनी है,
काइटिन की। काइटिन में एक नाइट्रोजन, वो काइटिन में क्या है, एक नाइट्रोजन यौगिक से वो बनी है, NAG एस्टल ग्लूकोसामिन। यस, सभी कवकों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। सामान्यतः कवकों में नॉन सेलोजिक सेल वाल होती है, लेकिन अपवाद ओमाइसिटीज के सदस्यों में सेलोजिक सेल वाल होती है। आ जाओ पॉइंट टू पॉइंट। फिर अपन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की। फिर अंदर प्रोटोप्लाज्म, सुविकसित केंद्रक लेकिन अगुणित, और केंद्रक के बारे आप जानते हो कि ये अंतःप्रदीय जालिका, एक सिस्टर्न की गोल्जी बॉडी डिक्टियोसोम और SCS राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कभी होते नहीं है, संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट। यस, और देखो इस कवकों में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच एक स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको आप कहते हो लोमासोम। कवकों में कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच एक विशिष्ट संरचना होती है जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, लोमासोम। अब आप समझें कि भाई ये तो आपने एक फंगल सेल पढ़ी है, लेकिन कवक तो क्या है, बहुकोशिकीय है ना, और वो भी तंतु में। अब इसका मतलब ये कवक कोशिका आपस में मिलकर कवक तंतु बनाएगी, फंगल हाइपी, कवक तंतु फंगल हाइपी, और फिर उन कवक तंतुओं का जाल बनेगा कवक का शरीर माइसीलियम। लेकिन वो बहुकोशिकीय है, ये कोशिकाएं संगठित भी होंगी लेकिन सत्य उत्तक नहीं बना पाएंगी। तो अब आप देखिए आगे नेक्स्ट अपन इसमें देखो, यहीं पे अपन बात करते हैं कि अब देखो बेटा कि कवक तो आप जानते हो कि मल्टी सेलर यूकेरियोट है। क्या है बताओ, मल्टी सेलर यूकेरियोट। तो मैं सेल को यहीं रखता हूँ और देखो मैं आपको इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी ऑफ फंजाई कवकों का शरीर के बारे में आपको बताता हूँ, कैसे ये ऑर्गेनाइज हुआ है ना। तो देखिए बेटा, अब आप समझ सकते हैं कि देखो ये तो एक फंगल सेल है, यूकेरियोटिक संगठन है, पूरा संगठन मैंने आपको अच्छे से समझाया, नो डाउट। अब देखें कि अब कैसे कैसे बॉडी ऑफ फंजाई बनती है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो ये सेल्स जो फंगल सेल्स हैं, ये फंगल सेल्स कवक कोशिकाएं तो कवक कोशिकाएं आपस में मिलकर या अपन बात रहे कि संगठित होकर सबसे पहले आपका बनाती है बेटा फंगल हाइपी कवक तंतु, फंगल हाइपी। तभी तो अपन कहते हैं ना कि कवक क्या है, कवक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागेनुमा संरचना है। तो ये कवक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आपस में से मिल के और आप जानते हो कि ऐसे कोशिकाएं आपस में मिल के और ऐसे अपन बात रहे कि धागेनुमा संरचनाएं निर्मित करती है, फंगल हाइपी कवक तंतु थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागेनुमा संरचना। बात को समझे बेटा, ये लो जी धागेनुमा संरचना जिसको आप कहते हो बेटा जी फंगल हाइपी कवक तंतु। और फिर इन कवक तंतुओं का जो जाल है, कवक तंतुओं का जाल, वो आपका बनता है माइसीलियम, कवक जाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फंगल सेल्स कवक कोशिकाएं संगठित होंगी, क्या बनाएंगी, फंगल हाइपी कवक तंतु। मैं वापस लिख देता हूँ, कवक तंतु। और कवक तंतु का आपने क्या बताया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागेनुमा संरचना। और अब बेटा जी आप जानते हो बहुकोश के संगठन है, तो धागेनुमा संरचना, अब ये धागे, कई धागे मिलकर जाल बनाएंगे, ये कई धागे मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, जाल। यस, अब आप ध्यान दो बेटा कि ये कई धागे मिलकर जाल बनाएंगे, तो देखो इस फॉर्म में कई सारे फंगल हाइपी आएंगे, ऐसे अपने बात बड़ा कि कई सारे फंगल हाइपी ये, तो आप क्या कहोगे, नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी, नेटवर्क ऑफ
फंगल हाइपी। यानी बेटा जी आप क्या कहोगे, कवक तंतुओं का जाल, कवक तंतुओं का जाल। ये अपन कहें बेटा देखो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड आपस में संबंधित, इंटरकनेक्टेड अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेटवर्क यानी क्या होता है, जाल। इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी, है ना बेटा। यानी ये जो कवक तंतु हैं, ये धागे हैं, इनका जाल। जैसे आप अचार के ऊपर एक जाल सा जाता है ना, तो एक एक रेशे से आप रुई का ऐसे रेशा सा नजर आता है, तो वो फंगल हाइपी होता है बेटा। तो नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी, तो ये आपका कहलाता है माइसीलियम। क्या कहलाता है बताओ, माइसीलियम। माइसीलियम का मीन होता है कवक जाल, और कवकों के शरीर को आप क्या कहते हो, कवक जाल। तो देखो प्रत्येक हाइपी के अंदर कई सेल्स हैं, और प्रत्येक हाइपी में काइटिनस सेल वॉल है, काइटिनस सेल वॉल। तो ये आपका बन गया, यस बेटा। लेकिन जब ये कोशिकाएं संगठित हुई तो ये केवल ढीला ऊतक, लूज टिश्यू, जिसको आप प्रोसेनकाइमा कह सकते हो, लूज टिश्यू, ढीला ऊतक, ये केवल ढीला ऊतक बना पाई, ढीला ऊतक, लूज टिश्यू, ढीला ऊतक बना पाई, है ना। प्रोसेनकाइमा कह सकते हो, ढीला ऊतक बना पाई, यानी इनके अंदर वास्तविक ऊतक संगठन, वास्तविक ऊतक संगठन एब्सेंट होता है, वास्तविक ऊतक संगठन एब्सेंट होता है। चाहे शैवालों में बात करो या कवकों में, शैवाल और कवक दोनों ही थैलस हैं, तंतु में फिलामेंटस है, धागेनुमा है, लेकिन वो क्लोरोफिलस है और ये नॉन क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल कभी नहीं होता, प्लास्टिड कभी नहीं होता। तो वास्तविक ऊतक संगठन अनुपस्थित होता है, ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट। ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। बात को समझे। अब जैसे ये सेल्स बनती हैं, अभी जैसे फंगल सेल्स कवक कोशिकाएं मिलती हैं, और कवक का धागा, कवक तंतु बनता है, अगर मिलते समय क्रॉस वॉल नहीं बने, कंटिन्यूस ट्यूब बन जाए, कंटिन्यूशन सतत नलिका बन जाए, बीच में पट नहीं बने, तो वो एपटी साइकोसिक बताएंगे अपन। और यही बात कहेंगे, कुछ पटिक तो होती है, तो यही बात कहेंगे कि कवक आकार के रूप में वास स्थानों में तो बताया था, और यहाँ क्लियर कर देंगे कि आकार की भी बहुत ज़्यादा विविधता दर्शाते हैं कवक। अपन यहाँ बेटा क्लियर कर देंगे कि आकार के रूप से भी बहुत ज़्यादा विविधता दर्शाते हैं कौन, कवक, क्योंकि ये फंगल हाइपी अपने आकार की विविधता दर्शाते हैं। बात को समझे। तो कई सारी कवक कोशिकाएं संगठित होकर फंगल हाइपी कवक तंतु, कई सारे कवक तंतु का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी, कई सारे कवक तंतुओं का जाल माइसीलियम, माइसीलियम कवक जाल, माइसीलियम कवक जाल। लेकिन जब ये संगठन लूज टिश्यू ढीला ऊतक प्रोसेनकाइमा, लेकिन वास्तविक ऊतक संगठन कवकों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। वास्तविक ऊतक संगठन कवकों में क्या होता है, एब्सेंट। लेकिन ये बॉडी ऑफ फंजाई है, और प्रत्येक फंगल हाइपी काइटिनस सेल वॉल एगुणित, जो प्रत्येक उसका केंद्रक ग्लाइकोजन ऑल ड्रॉपलेट, इनका संचित भोजन, तो अपन स्टोर फूड एक बार अलग से और बता देते हैं। बात को समझ रहे बेटा। तो इनके अंदर आप जानते हो, और ये फंगल हाइपी आकार के रूप से अत्यधिक विविधता अपन दर्शाने, इस बात को भी अपन क्लियर करेंगे, यस। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि ये जो फिलामेंट हैं, ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, प्रत्येक कवक तंतु भी शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कवकों का बॉडी। अब आ जाएं, आपने कहा कि भाई कवकों का संचित भोजन क्या है, तो देखो बेटा जी कवकों का जो संचित भोजन है वो है ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट, यस बेटा। तो ध्यान दें, स्टोर फूड वो अपने वहां कर, एक बार और कर लेते हैं अपन, संचित भोजन। तो कवकों का संचित भोजन है, संचित भोजन तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन प्लस ऑयल ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन प्लस ऑयल ड्रॉपलेट, ये कवकों का संचित भोजन है। अच्छा सुनो, अधिकांश कवक, सारे के सारे कवक माइसीलियम वाले होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, अपवाद है ईस्ट, है ना। तो एकमात्र कवक है ईस्ट, एक ऐसा समूह है ईस्ट
जो यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक है, यीस्ट, सही। और बेटा ये जानते हो नॉन माइसीलियल फंजाई है, नॉन माइसीलियल यानी इसमें कवक जाल क्या है, एब्सेंट, मतलब जब एक ही कोशिका होगी तो यीस्ट एक समूह है जिसमें लगभग अपन आगे बताएंगे कि कई सारे वंश आते हैं, तो ये यूनिसेलुलर फंजाई एक कोशिकीय कवकों का समूह है, एक कोशिकीय कवकों का समूह है, कवकों का समूह है। यीस्ट को छोड़ दो, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और ये नॉन माइसीलियल फंजाई है, नॉन माइसीलियल यानी क्वेश्चन आता है कि माइसीलियम रहित कवक का नाम बताइए, तो यीस्ट या कौन सा एकोशिकीय कवक है, तो क्या आएगा, यीस्ट समूह आएगा। अच्छा सुनो, अब इस एकोशिकीय स्वरूप से लेकर बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं, तो कई सारी कोशिकाएं कवक तंतु बनाती है। अब वो कवक तंतु शाखित या अशाखित हो सकते हैं, और फिर उन कवक तंतुओं में आकार की बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उन कवक तंतुओं में क्या क्या आकार की विविधता पाई जाती है, यानी सेल मिलकर कैसे कवक तंतु बनाती है और उन कवक तंतुओं में क्या क्या आकार की विविधता पाई जाती है। बात को समझो बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो देखिए बेटा जी, ये फंगल हाइपी जो कवक कोशिकाएं मिलकर फंगल हाइपी बने, तो ये जो फंगल हाइपी हैं, कवक तंतु, फंगल हाइपी, फंगल हाइपी ब्रैकेट में आप कवक तंतु, ये आकार के रूप से, इन मोर्फोलॉजी आकार के रूप से अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं, आकार के रूप से अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। जैसे बेटा अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आकार के रूप से बहुत सारी विविधता दर्शा सकते हैं, तो आप जानते हैं फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ कवकों में ये कवक तंतु, कुछ कवकों में बेटा ये कवक तंतु फंगल हाइपी सतत नलिकाकार रूप में होते हैं, सतत नलिकाकार, सतत नलिकाकार होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स की भांति होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि जब कवक कोशिकाएं आपस में एडजॉइन होती है, कवक कोशिकाएं आपस में मिलती है, तो उनके बीच में क्रॉस वॉल नहीं बनती, कोई पट नहीं बनता, वो एक कंटिन्यूस ट्यूब की तरह होती है। तो कुछ कवकों में कवक तंतु फंगल सतत नलिकाकार होते हैं, यानी बेटा देखो अपन इस फॉर्म में बता दें कि कुछ कवकों में ये कवक तंतु ऐसे सतत नलिकाकार आपके होंगे, इस फॉर्म में सतत नलिकाकार आपके होंगे, यानी कंटिन्यूस ट्यूब, और जैसे ये न्यूक्लियस, यस हैप्लोइड न्यूक्लियस। तो कवक कोशिकाएं जब आपस में जुड़ रही हैं तो बीच में कोई पट नहीं बन रहा, कोई क्रॉस वॉल नहीं बन रही, तो एज ए कंटिन्यूस ट्यूब यानी सतत नलिका, कंटिन्यूस ट्यूब लाइक, ये आपका फंगल आईपी हो गया। यस, ऐसे फंगल आईपी को अपन क्या बोलते हैं, जनरली मैं एक बात बताऊं कि ऐसे फंगल हाइपी को जो कंटिन्यूस ट्यूब के लायक होता है, ऐसे फंगल हाइपी को अपन बोलते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट, ऐसे को अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रीय, मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट, एसेप्टेट, और इसको अपन बोलते हैं सिनोसाइटिक, सैकोसिक। आपने सुना होगा ना कि एनिमल के लिए अपन सिंसियम टर्म यूज करते हैं, और यहाँ प्लांट के लिए तो फंजाई उससे रिलेट होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रकीय, एसेप्टेट यानी एपटीय, बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, कोई पट नहीं, एपटीय, और सिनोसाइटिक यानी साइकोसिक। तो आप समझ रहे हो बेटा कि मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट सिनोसाइटिक आपके होंगे, यानी कंटिन्यूस ट्यूब लाइक, सतत नलिका के समान, बिना किसी पट के यहाँ पर सीधे न्यूक्लियस होंगे जो हैप्लोइड हैं, एगुणित हैं। तो ये आपका हो गया। अब आप जानते हो बेटा कवकों के वर्गीकरण का जो सबसे मुख्य आधार आगे लेंगे वो मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम लेंगे, यानी फंगल हाइपी मॉर्फोलॉजी आकार की। तो देखो ऐसी आकार की के कवक तंतु और कवक जाल बनाएं तो ये किस
वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। ये अपन कौके वर्ग अपन क्लास पढ़ेंगे कि फाइकोमाइसिटीज, जो एल्कल फंगाई फाइकोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में, पूरे फाइकोमाइसिटीज में, चाहे वो ओमाइसिटीज हो और चाहे वो जाइगोमाइसिटीज हो, आगे अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण में, तो उन सब के अंदर कवक तंतु कंटिन्यूस ट्यूब लाइक सतत नलिका जैसे और सतत मल्टी न्यूक्लियर बहुकेंद्र एसेप्टेट सिनोसाइटिक प्रकार के कवक तंतु होंगे। बात को समझे। अब देखो ये कुछ में होता है, बाकी मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर कवकों में कवक तंतु क्या होते हैं, पट्युक्ति होते हैं। अब अपन सेप्टेट, सेप्टेट जो सेकंड फॉर्म है अपनी, वो अपन पढ़ते हैं कि सेप्टेट, सेप्टेट फंगल हाइपी, मतलब पट्युक्त कवक तंतु, पट्युक्त कवक तंतु। लेकिन बेटा पट्युक्त कवक तंतु के दो भाग होते हैं, एक सरल पट होते हैं सिंपल सेप्टा होते हैं, और दूसरे आपके डोलीफोर सेप्टा होते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पढ़ा कि हाइपी में भी, जो हाइपी हो सकती है एसेप्टेट या मल्टीन्यूक्लिएट, और उसके लिए अपन ने टर्म दी क्या, सिनोसाइटिक। क्या टर्म दी बेटा, सिनोसाइटिक अपन ने टर्म दी। अब नेक्स्ट आपने कहा कि भाई मोस्ट ऑफ फंजाई में सेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेट कंटिन्यू पूरे नहीं होते हैं, बीच में पोर भी होता है एडजोइनिंग सेल में। अब देखो कि सिंपल सेप्टेट हो यानी सरल, सरल पट्युक्त एक केंद्र की, सरल पट्युक्त एक केंद्र की हो, क्लियर बेटा। तो देखो एडजोइनिंग सेल्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे एडजोइनिंग सेल्स, जैसे जैसे कवक कोशिकाएं आपस में ज्वाइन हो रही है और कवक तंतु बना रही है, तो साथ साथ में उनमें क्रॉस वॉल या सेप्टा बन रहा है, क्रॉस वॉल या सेप्टा, है ना बेटा। तो देखो जैसे जैसे फंगल सेल्स आपस में एडजोइनिंग हो रही है, तो साथ साथ में उनमें क्रॉस वॉल या सेप्टा, लेकिन जो सेप्टा है वो पूर्ण नहीं है, वो सेप्टा सिंपल सेप्टा है और बीच में पोर भी है, ये छिद्र भी है, पोर भी। तो ये कंडीशन आपकी होगी बेटा सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, ये कंडीशन जो आपकी होगी। अब हाँ ये ब्रांच हो सकता है, वो भी अनुमान ब्रांच हो सकता, साकेत हो सकता है, लेकिन आपकी होगी सरल पट्युक्त एकेंद्र की, सिंपल सेप्टेट ये यूनिन्यूक्लिएट। यस बेटा देखो आपके सामने ये कंडीशन आपकी हो गई सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, है ना, सरल पट्युक्त एकेंद्र की, सरल पट्युक्त एकेंद्र की। और इस छिद्र से ये जो पोर है, ये पोर है, इस छिद्र से केवल साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो सकती है, न्यूक्लियस नहीं जा सकता है। तो ये किसमें होता है, एग्जाम्पल आपका होगा इन मेंबर ऑफ, किसके सदस्यों में, इन मेंबर ऑफ क्लास, किस वर्ग के सदस्यों में, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बात को समझे। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार के कवक तंतु होंगे, समझे। तो आकार के रूप से विविधता हो गई और वर्गीकरण का मुख्य आधार भी हो गया, बात को समझे, वो अपन आगे पढ़ेंगे भी। यस और इन सम मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में भी यही होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में, ड्यूटेरोमाइसिस सदस्यों में। यस अब इसमें ये सेप्टेड फंगल आईपी में अधिकांश कवकों में पट्युक्त होते, लेकिन इसमें पहली कंडीशन है सरल पट्युक्त एकेंद्र की, ये फर्स्ट कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन होती है कि जो विशिष्ट सेप्टा के लिए होती है, तो वो आप जानते हो कि स्पेशल सेप्टेट के लिए, तो जो सेकंड कंडीशन होती है ना, वो आपकी होती है कि ढोल छिद्री पट्युक्त, ढोल छिद्री पट्युक्त, पट्युक्त मतलब डोली फोर सेप्टम कंटेन फंगल आईपी, डोली फोर सेप्टम कंटेन फंगल हाइपी। तो बेटा जी आप ध्यान दे देखो कि जो डोली फोर सेप्टम है, मैं आपको ढोल छिद्री पट्युक्त डोली फोर सेप्टम, ये फंगल आईपी को आपको मैं बता दूं, इसमें देखो कवक तंतु इस फॉर्म में होता है, कवक तंतु स्पेशली इस फॉर्म में होता है,
और इनिशियली तो वो एकेंद्रीय होता है, बाद में द्विकेंद्रीय हो जाता है। कैसे हो जाता है बताता हूँ। अब यहाँ पर जो पट वो सिंपल सेप्टा नहीं है, यस यहाँ पर जो पट है वो सिंपल सेप्टा नहीं है, इस फॉर्म में है, इसे आप कहते हो ढोल छिद्री पट। यहाँ आगे अपन जब क्लास की स्टडी करेंगे तो पार्टनर भी बताएंगे भी। तो ये स्पेसिफिक सेप्टा है, इनको आप कहते हो डोलीफोर सेप्टम, डोलीफोर सेप्टम यानी ढोल छिद्री, ढोल के आकार के पट, डोलीफोर सेप्टम, डोलीफोर सेप्टम, ध्यान से सुनना। तो डोलीफोर सेप्टम आप इनको कहते हैं बेटा, यस। अब आप ध्यान दें कि इनमें स्पेसिफिक कनेक्शन भी पाए जाते हैं, जिनको आप कहते हो क्लैंप कनेक्शन। क्या कहते हो? क्लैंप बंधन। ऐसे स्पेसिफिक कनेक्शन पाए जाते हैं जिनको आप कहते हो बेटा क्या? क्लैंप कनेक्शन। ये क्लैंप कनेक्शन भी होते हैं, बात को समझे। और इनिशियली तो ये यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन बाद में आप समझ सकते हो कि ये बाइन्यूक्लिएट हो जाते हैं बाद में, और डिफरेंट जीनोटाइप के ये न्यूक्लियस आपके होंगे, तो बाद में ये क्या हो जाते हैं? बाइन्यूक्लिएट हो जाते हैं, द्विकेंद्रकी हो जाते हैं, यस। तो स्पेशली बेटा इनिशियली यूनिन्यूक्लिएट, बाद में बाइन्यूक्लिएट क्लैंप कनेक्शन से, और डोलीफोर सेप्टम। तो ऐसा जो क्लास है ये किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस के सदस्यों में। किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस के सदस्यों में, यानी बाद में इसका अपन एग्जाम्पल कराएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे क्लास में, यहाँ लिख देता हूँ, ये बेसिडियोमाइसिटिस, जो बेसिडियोमाइसिटिस वर्ग के सदस्य हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं ढोल छिद्री पट वाले, और शुरू में एक केंद्र की, बाद में बायन्यूक्लिएट। तो ऐसे बेटा देखो फंगल हाइपी में आकार के रूप से अत्यधिक विविधता, अब आवास में बहुत ज़्यादा विविधता हो ही गई और आकार की, तो पृथ्वी पर आवास और आकार में सर्वाधिक विविधता कौन दर्शाते हैं? कवक। और ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, यानी कवकों में पोषण किस प्रकार का है, और फिर अपन बात कर बेटा अपन रिप्रोडक्शन पे आएंगे नेक्स्ट, यस क्लियर। तो देखिए बेटा आप न्यूट्रिशन इन फंजाई, न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण, यस बेटा। तो देखो प्रकृति में सभी कवक, प्रकृति में सभी कवक 100% सभी कवक बिना किसी अपवाद के, प्रकृति में सभी कवक पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से विषम पोषी होते हैं बेटा, विषम पोषी होते हैं, यानी क्या दर्शाते हैं आप ध्यान देना, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि आपको ही पता हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, आपको बताया कि इनके अंदर क्लोरोफिल कभी नहीं होता, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? लवक प्लास्टिड ही एब्सेंट होता है बेटा, है ना, और ये नॉन क्लोरोफिलस, यानी इनमें क्लोरोफिल कभी भी नहीं होता है, इसलिए प्रकृति में सभी कवक पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं? हेटरोट्रोफिक यानी विषम पोषी होते हैं। लेकिन अब विषम पोषी में भी भाई, जैसे अपन बात करें बेटा कि विषम पोषी में भी क्या क्या, तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, आप समझना, विषम पोषी पोषण, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विषम पोषी पोषण में एक फॉर्म आपकी होती है कि मोस्ट ऑफ फंजाई, जो मोस्ट ऑफ फंजाई हैं वो बेटा सेफ्रोट्रोफ होते हैं, यानी मर्तोपजीवी होते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं, है ना बेटा। तो मैं आपको कहूँ कि अधिकांश कवक सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक बोले तो मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी, सेप्रोट्रोफिक मर्तोपजीवी, यस, यानी बेटा वो प्रकृति में आपके होते हैं डीकम्पोजर, डीकम्पोजर अपघटक, अपघटक, यानी ये डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, मर्त कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मर्त कार्बनिक पदार्थ, नेचर में जो इकट्ठा हो जाता है उसको आप कहते हो ना डेट्रिटस, इकोलॉजी में आपने कहा था डेट्रिटस यानी अपरद। तो बेटा जैसे पेड़ पौधों की शाखा पत्ती मर्त होकर गिर जाए, या कोई मर्त जंतु हो जाए,
तो उनको उनके मलमूत्र सम्मिलित अपन कहते हैं डेट्रिटस, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये फंजाई क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना तरीके एंजाइम सिक्रेट करते हैं और उस डेड ऑर्गेनिक को जिसमें आप जानते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है, जटिल ऑर्गेनिक होता है, जैसे कि अपन बात रहे कि सेलुलोज होता है ना, काइटिन सेलुलोज होता है, प्रोटीन होता है, तो उसके ऊपर एंजाइम सिक्रेट करके उसको पहले सिंपल ऑर्गेनिक में, जैसे ग्लूकोज या एमिनो एसिड, सिंपल ऑर्गेनिक में, सरल कार्बनिक में बदलते हैं। बात को समझे, सरल कार्बनिक में, और उसमें से फिर अवशोषणी पोषण, फिर उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, अवशोषण, उसमें से एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, अवशोषणी पोषण, और तभी आप जानते हो कि अवशोषणी पोषण करने के आधार पर उस सरल में से ही कुछ अपने लिए जो ग्लूकोज या एमिनो एसिड है, तो कुछ अपने लिए एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं, अवशोषणी पोषण, ऑस्मोट्रॉफ, अवशोषणी पोषण। तभी तो फंजाई को प्लांट से रिमूव कर लिया गया था और ना एनिमल में रखा गया था, एक सेपरेट यूनिक, एक अद्भुत जगत में इनको स्थान दिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर बेटा डेट्रिटस, जो शाखा पत्तियां, मर्द जंतु होते हैं, उनमें सेलुलोज प्रोटीन बहुत ज़्यादा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उस पर एंजाइम सिक्रेट करते हैं पहले, यानी पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, है ना, ये इस स्कीम पे काम करते हैं बेटा, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, और अपन क्या करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, यानी इंजेशन, अंतर्ग्रहण, एनिमेलिया इंजेशन, जबकि ये अवशोषणी पोषण, तो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, यानी इस डेड ऑर्गेनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों पर एंजाइम निकालते हैं, तो सेलुलोज को ग्लूकोज में और एमिनो एसिड में, और उसी में से फिर एब्जॉर्प्टिव अवशोषणी पोषण करके उसको इनऑर्गेनिक में बदलते हैं। तो अपघटक यानी खनिज चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डीकम्पोजर, तो ये तो आपके क्या हो गए, सैप्रोट्रोफ, और यहाँ ये किसी डेड मटेरियल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। बोलो, इसके अलावा बेटा देखो, कुछ आपके जो कवक होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो आपके होते हैं पैरासाइट यानी परजीवी कवक होते हैं। यस, पैरासाइट यानी क्या होते हैं, परजीवी, जो होस्ट सेल यानी पोषक से, या अपन कह सीधा कहें होस्ट एंड पोषक से, ये भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी सहायता से, एक इनमें होता है होस्ट्रिया होता है चुस्कांग, तो ये पैरासाइट होते हैं। बात को समझी, अब देखो बेटा कि कुछ जो पैरासाइट हैं, तो आपके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एल्बुगो कैंडिडा, तो एल्बुगो कैंडिडा जो है सरसों पर अविकल्पी परजीवी, या कुर्सी पर ब्रेसिकेसी के सदस्यों में अविकल्पी परजीवी है। बात को समझे, और वहाँ श्वेत किट रोग करता है, व्हाइट रस्ट करता है वो, तो ये लिविंग से अब्जॉर्ब करते हैं। यस, ऐसे में अदर एग्जांपल आपको बता दूँ, पक्सीनिया ग्रेमिनस जो है वो वीट, आप जानते हो गेहूं में ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, काला किट रोग करता है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। तो देखो ये अपन बात रहे कि परजीवी रूप में रहते हैं, है ना, टाइप हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही है। बात को समझे, ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब मैं आपको एक बता दूं, एक फॉर्म और होती है इनके अंदर, तो नेक्स्ट मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कि सिम्बायोसिस फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। मैं बता दूं बेटा, सिम्बायोसिस यहाँ क्लियर कर देता हूँ, या नेक्स्ट में इसमें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि पैरासाइट तो प्लांट और एनिमल पे रोग फैलाते हैं ना, और पैरासाइट हो गए, आपने एल्बो कैंडिडा वाइट रस्ट बता दिया, वो है ना लिविंग से अब्जॉर्ब करते हैं, ये आपने बता दी। जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल देंगे, पूर्ण म्यूकर अविकल्पी मर्तोपजीवी, यानी 100% गोबर म्यूकर अविकल्पी मर्तोपजीवी होता है, और वहाँ मैंने अविकल्पी परजीवी का बता दिया एल्बुगो कैंडिडा। ऐसे अपन बात बेटा कि कुछ ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं, वो भी हेटरोट्रॉफी है, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस रिलेशन में आपको बता दूं, जैसे एक आपका एसोसिएशन हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, लाइकेन
यस और नो? तो आप जानते हो कि लाइकेन किसका संबंध है, लाइकेन, लाइकेन सेवाक, तो आप जानते हो कि कवक व सेवाल का सहजीवन है ना, कवक व सेवाल का सहजीवन, दो दो पार्टनर होते हैं, कवक इसको सुरक्षा स्त्री स्थान देगा और सेवाल बदले में भोजन देगा, तो ये आपका हो गया लाइकेन। ऐसे अपन बात कर रहा कि माइकोराइजा, माइकोराइजा तो माइकोराइजा है ना कवक व उच्च पादपों की जड़ों की मध्य का सहजीवन है, ये आपके हो गए सिम्बायोसिस फॉर्म, यस। तो ये हो गया न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। तो बढ़िया है यहाँ तक बेटा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी के एक एक लाइन को आप समझें, और कल सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंजाई का समझने का, उसको मेथड्स को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही यूनिक तरीके से आपको समझाएंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यस बेटा। तो बिल्कुल देखो एनसीईआरटी लेकर वर्ड टू वर्ड समझते रहो, एक एक लाइन आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, और बेटा अगली बार मतलब बहुत बेनिफिट उठाएं आप घर पे पढ़कर, और भी अच्छे अच्छे बच्चों के साथ सेल्स का जुड़े, हम हर तरीके से आपके साथ हैं बेटा, हर प्रकार का कॉन्फिडेंस देंगे, हर एनसीईआरटी की लाइन, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, और एक शब्द भी आपके सामने नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। और फिर याद दिला दूं, टेस्ट में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, यहाँ तक आप पूरा क्लियर कर लें, यस, फिर नेक्स्ट की बात होगी, क्लियर, थैंक यू वेरी मच।